बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। नौशाद साहब के बारे में जितने अल्फाज दिल से निकले वो कम हैं। हम भारत के सब लोग और दुनिया भर के लोग हम कभी नहीं भुला पाएंगे उनकी कंपोजिशंस और उनका जो योगदान है। पन घट पे नंदलाल कौन सुनाएगा हमें, कौन धुन बना के देगा ये? बस यही इनकी यादें हैं और हम इन यादों को प्रणाम करेंगे और इन यादों को अपने साथ रखेंगे। संगीत के खिलाफ थे और मैं चोरी छुपे सीखता था संगीत। एक दफे हारमोनियम लेके आया तो मेरे वालिद साहब ने वो फेंक दिया सड़क के ऊपर। तो मैं इन्हें चोरी छुपे सीखता रहा। उस्ताद थे मेरे यूसुफ अली साहब, बब्बन साहब, ये उस्ताद लखनऊ में मेरे, उनसे तालीम लेता था। तो एक वक्त ऐसा आया कि हमारे वालिद साहब ने कहा कि तुम्हें घर चाहिए या संगीत चाहिए, तो मैंने कहा घर आपको मुबारक हो और मैंने घर छोड़ दिया। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। के आसिफ जो उसके डायरेक्टर थे मुगले आजम के जी, उन्होंने कहा तानसेन का जिक्र आया है तो तानसेन का इसमें गाना एक रखना है आपको, कौन गाएगा? तो मैंने कहा इस जमाने का, इस दौर का तानसेन तो एक ही है, कौन? मैंने कहा बड़े गुलाम अली। नौशाद साहब एक ऐसा व्यक्तित्व थे, जब भी आने वाले वक्तों में फिल्म संगीत का जिक्र किया जाएगा तो उनके नाम के बिना फिल्म संगीत अधूरा रहेगा। ये गाना फिल्म कोहिनूर से लिया गया है और राग हमीर में गाया गया है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि फिल्म दुनिया में पहला कदम रखते ही नौशाद भाई से मेरी मुलाकात। मेरा जी नहीं चाहता कि मैं नौशाद के लिए कहूँ कि वो मर गए। मैं कहूँगा उनका इंतकाल हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पहुँच गए थे जहाँ मौत उनको मार नहीं सकती, क्योंकि वो अपने फन की वजह से अमर हो गए थे और वो रहेंगे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे।